नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं कौटिल्य के अनुसार राजा की शक्तियाँ और उसके कार्य से संबंधित और कौटिल्य ने राजा के लिए जो दिनचर्या का प्रारूप तैयार किया है उससे संबंधित नोट्स को लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग राजा की शक्ति तथा कार्य को देखते हैं। राजा का पहला कार्य था प्रजा का कल्याण। राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यों को करने से राजा का हित नहीं है, बल्कि उसका हित तो प्रजाजनों को अच्छे लगने वाले कार्यों को संपादन करने में है। कौटिल्य का ऐसा मानना था कि राजा को अपने प्रजा के हित के लिए ही कार्य करना चाहिए, खुद को अच्छा लगने वाले कार्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो उनके प्रजा को अच्छा लगता है, जो उनके प्रजा के लिए हितकर है, उससे संबंधित कार्यों का संपादन करना चाहिए। दूसरा था शांति और व्यवस्था बनाए रखना। इसमें कौटिल्य का कहना है कि राजा को इंद्र के समान प्रजा का अनुग्रह और यम के समान दुष्टों का नाश करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इंद्र के समान प्रजा का अनुग्रह और यम के समान दुष्टों का नाश करना चाहिए। और तीसरा था नियुक्ति संबंधी अधिकार। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कि नियुक्ति संबंधी कार्य के लिए कार्य के बारे में कौटिल्य का मानना था कि राजा को सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। उनके यहाँ जो भी कर्मचारी नौकरी पे हैं, उन सभी के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और योग्य कर्मचारी को ही पदोन्नति करनी चाहिए। क्योंकि राजा के द्वारा ही अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, इसलिए उनके नियुक्ति में पूरा जो योग्य कर्मचारी है उन्हीं की पदोन्नति देनी चाहिए और योग्य कर्मचारी की ही नियुक्ति करनी चाहिए। इसके बाद था विधि निर्माण कार्य। विधि निर्माण कार्य में आइए देखते हैं क्या क्या है। राजा धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य प्रशासन के आधार पर कानून का निर्माण करता है। इसके बाद था न्यायिक कार्य। राजा राज्य का न्यायाधीश माना जाता है। राजा जो होता है वह क्या माना जाता है? राज्य का न्यायाधीश माना जाता है। वह विभिन्न न्यायालयों की स्थापना करता है। राज्य में प्रचलित विधियों के अनुसार ही वह निर्णय देता है और राज्य में जो प्रचलित विधियाँ हैं उन्हीं के अनुसार वह निर्णय देता है और यह निर्णय धर्म, लोकाचार, व्यवहार और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अब राजा के लिए कौटिल्य के अनुसार दिनचर्या का जो प्रारूप था उसको हम ले देखते हैं। एक तरफ देखिए यहाँ पे प्रहर लिखा हुआ है, एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है। पहला है राजा रक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करे और बीते हुए दिन की आय व्यय की जांच करे। प्रथम पहर में दिन में रक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करें और बीते हुए दिन की आय व्यय की जांच करें। रात को क्या करना है? गुप्तचरों को देखें। ठीक है, उसके बाद क्या है? पुरवासियों और जनपद वासियों के कार्यों का निरीक्षण। इसके बाद रात में स्नान, भोजन और स्वाध्याय। स्वाध्याय भी जरूरी है राजा के लिए कौटिल्य के अनुसार। देखिए तीसरा था स्नान, भोजन दिन में और स्वाध्याय, और फिर संगीत सुनते हुए शयन करना। और इनके अनुसार इनका कहना है कि राजा को संगीत सुनते हुए शयन करना चाहिए। आगे है चौथा, देखिए यहाँ पे कर विभाग का निरीक्षण और शासन के अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार। दिन में कर विभाग का निरीक्षण और शासन के अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार और रात में शयन करना है। उसके बाद मंत्री परिषद के परामर्श से पत्र भेजे और गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद फिर शयन। छठा है इच्छा अनुसार बिहार का विचार करें। इच्छा अनुसार जहाँ जाने का मन है वहाँ विचार करें और रात को संगीत के द्वारा जगकर वह अर्थशास्त्र संबंधी तथा दिन में संपादित किए जाने योग्य कार्यों पर विचार करें। इसके बाद है हाथी, घोड़े, रथ और अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करें और गुप्त मंत्रणा करें और गुप्तचरों को यथास्थान भेजे। उसके बाद है सेनापति के साथ युद्ध आदि के संबंध में विचार विमर्श करें और आचार्य और पुरोहित से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियोज़ में मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आती रहूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।